दसवें राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद जो अभ्यर्थियों को मत मिले हैं वो निम्नलिखित हैं। धीरज कुमार सिंह 10,684, राजा राम सिंह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिन लिबरेशन 1,66,502, 1,66,502, अजीत कुमार सिंह 4,220, अवधेश पासवान 2,547, उपेंद्र कुशवाहा 1,16,650, प्रदीप कुमार जोशी 2,453, प्रयाग पासवान 1,932, प्रियंका प्रसाद चौधरी 4,580, राजेश्वर पासवान 2,286, विकास विनायक 3,275, इंद्राज रोशन 2,659, पवन सिंह 1,11,127, राजा राम सिंह निर्दलीय 9,179। नोटा में जो मत पड़े हैं वो 9,325। इस तरह से राजा राम सिंह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिन लिबरेशन अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उपेंद्र कुशवाहा से 49,852 मतों से आगे चल रहे हैं। दसवें राउंड की समाप्ति तक देखिए, दसवें राउंड की समाप्ति हो गई है और उपेंद्र कुशवाहा से आगे चल रहे हैं राजा राम कुशवाहा 49,000 वोटों से, और पवन सिंह का जो है 1,11,000 वोट जो है अभी तक मिला है, लेकिन बहुत वोट से पवन सिंह जो है दिखता नज़र आ रहा है कि पीछे हो चुके हैं। बाद बाकी आप सब देखिए, यहाँ पे सारे लोग जो है आस लगा के बैठे हैं पवन सिंह के लिए, क्या ही किया जाए देखिए। और राजा राम जो है बहुत ही आगे निकल गए हैं, जैसा कि आप सभी ने सुना भी, ये देखिए सारे लोग निराश हो रहे हैं। जैसे पवन सिंह का काफ़ी ज़्यादा फैन है, वो देखने के लिए आए थे, उत्साह था मन में, खुशी था, तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा नाराज़गी है। बाद बाकी अभी 1,11,000 वोट जो है पवन सिंह के खाते में मिला है। एक नंबर पे अभी भी राजा राम कुशवाहा ही चल रहे हैं, दूसरे नंबर पे उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा से लगभग 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं राजा राम कुशवाहा। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, फिर आपको मैं लाइव दिखाता रहूँगा। जय हिंद।